डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी, और उन जानकारियों में हमने देखा था वर्नर्स की थ्योरी, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से वर्नर ने सबसे पहले उप सहसंयोजक यौगिकों को समझाने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक संयोजकता को समझाया, और कई सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू उन्होंने उप सहसंयोजक यौगिकों में बंध को समझाने की कोशिश की, परंतु किन्हीं कारणों से वो सिद्धांत सफल नहीं हो पाया। और उसके बाद अब जो हम सिद्धांत पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझाने के लिए, वो सिद्धांत इस तरह से हैं। देखें आप यहाँ पर, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। सेकेंड पर है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो बैथे और मॉनलिक ने दी है, CFT शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिगैंड फील्ड थ्योरी, और द लास्ट वन इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हमारे अभी जो कोर्स में, थर्ड ईयर के कोर्स में, वो है सिर्फ यहाँ पर VBT एंड CFT। तो सबसे पहले उप सहसंयोजक यौगिकों में बंध की प्रकृति, किस तरह से इन संकुल यौगिकों की संरचना होती है, ज्यामिति होती है, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होगी, उन सबको समझाने के लिए लीनियस पॉलिक ने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे उप सहसंयोजक यौगिकों का संयोजकता बंध सिद्धांत कहा जाता है। इन 1931 लीनियस पॉलिक गिव अ थ्योरी विच इज नॉन एज VBT, और इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ मुख्य विक्रेत हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। द सेंट्रल मेटल एटम और आयन हैज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स फॉर एकोमोडेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड्स। द नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल आयन फॉर अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। और ये वेकेंट ऑर्बिटल कौन कौन हो सकते हैं, S, P, D एंड F। तो सबसे पहली जो मुख्य अभिक्रेत की फर्स्ट नंबर का पॉइंट है अकॉर्डिंग टू VBT, वो क्या कहता है कि जब कभी भी उप सहसंयोजक यौगिक बंध बनता है या यौगिक बन रहा है, उस स्थिति में जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है, वो केंद्रीय धातु या परमाणु, उसके पास जब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के आएगा, तो वहाँ पर पर्याप्त संख्या में रिक्त कक्षक होना बहुत ही जरूरी है, और इन रिक्त कक्षकों में लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट करता है। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर, दिस वैकेंट ऑर्बिटल गोज हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये जो हमारे पास रिक्त कक्षक की उपलब्धता हुई है सेंट्रल मेटल आयन या एटम के पास, ये अब संकरित होकर के संकर कक्षक का निर्माण करते हैं जितनी संख्या में उसे बंध बनाने के लिए आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ईच लिगेंड हैज एटलीस्ट वन ऑर्बिटल कंटेनिंग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने लिगेंड यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन के साथ उप सहसंयोजक बंध बना रहे हैं, उसके पास कम से कम एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना बहुत ही जरूरी है, जिससे वो केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकरित कक्षकों में डोनेट कर सकें। तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल फिल्ड विथ लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और इस तरह से केंद्रीय धातु परमाणु के पास ये जो रिक्त संकरित कक्षक हम आए हैं, इनमें जब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, तो उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, और इस प्रकार कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इफ द ओवरलैपिंग बिटवीन द ऑर्बिटल्स इज ग्रेटर। तो ये जो बंधने वाला बंध है उप सहसंयोजक बंध, ये काफी प्रबल होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होगा, कब, जबकि कक्षकों के मध्य जो अतिव्यापन हो रहा है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो, अधिकतम हो। तो कक्षकों के मध्य अतिव्यापन अधिकतम या प्रबल होने पर उप सहसंयोजक यौगिकों के मध्य जो बंध बन रहा है वो भी काफी प्रबल होता है। तो इस तरह से संयोजकता बंध सिद्धांत जो सबसे पहले दिया है लीनियस पॉलिंग ने, उप सहसंयोजक यौगिकों में बंध, उनके ज्यामिति को समझाने के लिए, और उसके मुख्य अभिग्रहित हमने यहाँ पर शॉर्ट में देखे। अब यहाँ पर एक आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से हम नाम दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स को, संकुल यौगिकों को,
इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या चीज है? अकॉर्डिंग टू VBT गिवन बाय पॉलिंग, यहाँ पर कहते हैं ये कि जब कभी भी आंतरिक डी कक्षक संकरण में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या संकरण में भाग ले रहे हैं, उस स्थिति में जो संकुल यौगिक बनेगा उसे हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसके विपरीत अगर यहाँ पर आउटर डी ऑर्बिटल काम में ले रहे हैं तो जो संकुल यौगिक बनेगा संकरण के कारण वो कहलाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल यहाँ पर आपने समझाया है इस तरीके से, एक जनरल फॉर्म में देखें आप इसको, ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल इनर डी ऑर्बिटल 3D के यहाँ पर देख रहे हैं हम, 5 डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है और जब ये यहाँ पे यूज होगा हाइब्रिडाइजेशन में तो हम बनने वाले संकुल यौगिक को कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इसकी वजह से लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है। इसी तरह से कंपैरिजन किया है आउटर डी ऑर्बिटल को, यदि बाह्य डी कक्षक काम में लिया जा रहा है संकुल यौगिक में काम आ रहा है संकरण में तो बनने वाला जो संकुल यौगिक होगा वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो ये बात हुई अंत कक्षक संकुल की और बाह्य कक्षक संकुल की, जिसकी परिभाषा या जिसकी संकल्पना VBT में हमको देखने को मिलती है। अब सभी ने सेकेंड ईयर में पढ़ा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड हम बात कर रहे हैं, वीक फील्ड लिगेंड की बात करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन कौन से हैं वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम सब ने देख रखा है। तो जब हम बात करते हैं कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड है या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, उन लिगेंड्स की प्रकृति के आधार पर यदि किसी धातु आयन के ऑर्बिटल्स में अगर हम कह रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनकी पेयरिंग हो जाती है यदि लिगेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज वीक फील्ड होगा, लिगेंड की नेचर वीक फील्ड होगी तो उस स्थिति में जो लिगेंड के साथ बंध बनेगा या लिगेंड जब संकरण करेगा धातु आयन के साथ में तो उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होंगे, उनके पेयरअप नहीं होगा। तो यहाँ पर लैंग्वेज में यही समझाया है, व्हेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स लाइक NH3 एंड CN नेगेटिव आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस दे कॉज पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन मेटल आयंस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पिन पेयरिंग। तो हम इस प्रोसेस को स्पिन पेयरिंग के नाम से भी जानते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लेकर के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यहाँ पर हम समझते हैं कि कैसे ये यहाँ पर ज्योमेट्री को समझाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बेस्ड ऑन VBT, तो संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर कुछ संकुल यौगिकों की संरचनाओं को समझाया गया उदाहरण लेकर के। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ निकल टेट्राकार्बोनिल, सेकेंड NiCl4 होल टू नेगेटिव, यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पर कि हमने लिगेंड चेंज किया है। NiCO4 में हमारे पास कार्बोनिल है और सेकंड में हमने लिया है क्लोरो, यानी कि दोनों लिगेंड की नेचर चेंज है। थर्ड पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ NiCN4 2 नेगेटिव, स्ट्रक्चर ऑफ CuF6 3 नेगेटिव, स्ट्रक्चर ऑफ CuNH3 6 पॉजिटिव। जहाँ पर 6 नंबर में है लिगेंड प्रेजेंट, हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट थर्ड आयन, तो दोनों ही संरचनाओं में जहाँ पर 6 नंबर का कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल अष्टफल की संकुल यौगिक का निर्माण होगा, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की कंडीशन में यहाँ पर टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लानर दोनों में से कोई एक कॉम्प्लेक्स जो है ज्योमेट्री वाला बनेगा। एग्जाम्पल को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं डायग्राम से, देखें आप फॉर्मेशन ऑफ NiCl4 होल टू नेगेटिव टेट्रा क्लोरो निकलेट सेकेंड आयन। अब सबको आपको पता है 3D सीरीज का एलिमेंट है ये निकल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 3D8 4S2। अब 3D8 4S2 इसका उदासीन अवस्था में है, यानी यहाँ पर कोई एक्साइटेशन हमने नहीं किया है। अब जब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इस कंडीशन में हम यहाँ पर सिंपल तो हमने लिखा है क्या निकल का 3D8 4S2, तो 3D8 4S2 न्यूट्रल कंडीशन में है, लेकिन जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी तब हम क्या कह रहे हैं ऑर्बिटल्स ऑफ Ni+2 आयन। देखिए आप 3D में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, अकॉर्डिंग टू
Hund's rule, 4S 0 and 4P 0. अब यहाँ पर हमारे पास चार क्लोरो नेगेटिव लिगेंड्स हैं जो नेचर में कैसे हैं, वीक फील्ड लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। और अभी आपको पहली स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया है कि जब कभी भी दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा उस स्थिति में धातु आयन के ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है वहां पर तो उनकी पेयरिंग नहीं होती है। तो यहीं पर यहाँ पे समझाया है, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ Ni+2 3d8। और अब रिक्वायरमेंट हमारे पास चार कंप्लीटली वैकेंट ऑर्बिटल्स की है। तो निकल कैट आयन का Ni+2 कंडीशन में 4s और 4p ये मिला करके टोटल sp3 यहाँ पर संकरित कक्षक हमारे पास आए हैं और ये संकरण यहाँ पर होगा। और दो इलेक्ट्रॉन चूंकि हमें अनपेयर्ड यहाँ पे नजर आ रहे हैं इस धातु आयन के पास में, लेकिन चूंकि क्लोरो वीक फील्ड लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, इस वजह से इनका युग्मन नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होती है। अतः हम यहाँ पर कहते हैं कि ये जो संकरण होगा ये बाह्य कक्षक यानी आउटर वाला जो है हमारे पास S और P कक्षक संकरित होकर sp3 संकरण यहाँ पर करेंगे। और इस प्रकार से ये हमारे पास संरचना जो होगी, ज्योमेट्री जो होगी संकुल यौगिक की, वो होगी चतुष्फल की। तो इस तरह से ये लिगेंड की प्रकृति के आधार पर हमने देखा NiCl4 होल 2 नेगेटिव किस प्रकार से संरचना बनाएगा। अब इसको कंपेयर करते हैं हम लिगेंड की प्रकृति चेंज करके। यहाँ हमने लिया है टेट्रा साइनो निकलेट सेकेंड आयन, पहले हमने एग्जाम्पल में लिया था क्लोरो और अभी हम ले रहे हैं यहाँ पर साइनो। तो CN नेगेटिव दोनों ही कंडीशन में, यानी जो निकल धातु तो सेम है लेकिन लिगेंड हमने यहाँ पर चेंज किया है, ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है। अब यहाँ पे आप देखिए साइनो की जो नेचर है साइनाइड की, वो नेचर काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की होगी और इसी वजह से 3d8 4s2 इन द न्यूट्रल स्टेट और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d8 4s0 4p0। अब यहाँ पर जो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ नजर आएंगे आपको निकल एटम के अंदर, इनकी पेयरिंग हो जाएगी और एक डी कक्षक हमें यहाँ पर रिक्त मिलेगा। अब चूंकि एक रिक्त कक्षक अवेलेबल है इनर वाला है तो ये संकरण में भाग लेता है 4CN के लिए बंद बनाने के लिए, क्योंकि ये जो लिगेंड है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा इन वैकेंट ऑर्बिटल्स में। तो इस तरह से अब जो संकरण होगा वो एक डी कक्षक, एस कक्षक और 2p ये मिलकर के DSP2 संकरण यहाँ पर होगा और संरचना जो होती है वो स्क्वायर प्लेनर होगी। तो इस तरह से NiCN होल 4-2 नेगेटिव इज अ स्क्वायर प्लेनर ड्यू टू DSP2 हाइब्रिडाइजेशन एंड इट इज डाई मैग्नेटिक। ये प्रकृति में कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय, किसी भी तरह से यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, सो इट इज डाई मैग्नेटिक इन नेचर। वाई NiCl होल 4-2 नेगेटिव इज टेट्राहेड्रन ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय क्यों है, क्योंकि दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसकी संरचना में हम देख पा रहे हैं। अब कारण यहाँ पर क्या दिया है, द CN नेगेटिव लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग एंड इट फोर्स द टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू पेयर अप। तो CN नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण ये दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को पेयर अप करता है, जबकि क्लोरो की प्रकृति, क्लोरो लिगेंड की प्रकृति वीक फील्ड होने के कारण ये पेयर अप नहीं करेगा। और इस ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर क्या कहते हैं, धातु आयन सेम होने के कारण भी यहाँ पर क्या हो रहा है, संकरण अलग अलग प्रकार का है। NiCN होल 4-2 नेगेटिव में DSP2 जबकि NiCl होल 4-2 नेगेटिव में हो रहा है यहाँ पर sp3 संकरण। अब ये सिद्धांत जब लागू हुआ, मुख्य अभिग्रहित भी हमने देखे, एग्जाम्पल भी हमने देखे, तो कुछ कमियां यहाँ पर पाई गई। वो कमियां क्या है उसे हम देखते हैं। सबसे पहले ये क्या कह रहा है, डजंट एक्सप्लेन द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड VBT उपसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिकों में कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकंड पॉइंट,
इट डजंट एक्सप्लेन मैग्नेटिक बिहेवियर बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। वीबीटी के आधार पर हम संकुल यौगिकों में जो चुंबकीय प्रवृत्ति पाई जाती है उसको नहीं समझा पाते हैं स्पष्ट रूप से। इसका कारण क्या है? वीबीटी में केवल इलेक्ट्रॉन्स की जो हम कहते हैं दो प्रकार की मूवमेंट करता है ये, एक तो इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर मूव करता है, दूसरा कक्ष के चारों ओर। तो केवल अपने स्पिन ओनली फॉर्मूला यानी इलेक्ट्रॉन की जो चक्रण प्रवृत्ति है केवल उसके आधार पर जो चुंबकीय प्रवृत्ति पाई जाती है केवल उसी की कैलकुलेशन वीबीटी करता है। उसकी कक्षकीय प्रवृत्ति के आधार पर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण जो प्रेजेंट होता है एक्सपेरिमेंट में आया है वो ये कैलकुलेट नहीं करता है, और इसी वजह से ये सिद्धांत यहाँ पर फेल हुआ है। थर्ड पॉइंट, डज नॉट एक्सप्लेन वाई सम कॉल्ड इनर एंड आउटर कॉम्प्लेक्स सेम मेटल आयन इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि जब आंतरिक कक्षक काम में आ रहे हैं तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और बाह्य वाला कक्षक काम में आ रहा है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया। तो ये सिद्धांत पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करता है कि यदि एक ही धातु आयन है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी समान है, ऐसी स्थिति में ऐसा क्यों है कि कुछ तो यहाँ पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे और कुछ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। इट फेल्स टू प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ऐसे संकुल यौगिक जिनका उपसंयोजन संख्या 4 है उनकी वास्तविक यानी एग्जैक्टली उनकी ज्योमेट्री क्या होगी उसको ये सेटिस्फाइड तरीके से नहीं समझा पाया है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप, अकॉर्डिंग टू वीबीटी कॉपर का एग्जाम्पल यहाँ पर मेटल आयन CuNH3O4+2, यहाँ पर एमीन 4 है यानी 4 लिगेंड प्रेजेंट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है। अब वीबीटी तो इसको समझाती है कि ये इसकी संरचना चतुष्फलकीय है, लेकिन जब एक्सरे एनालिसिस किया गया इसी कॉम्प्लेक्स का तो ये पाया गया कि ये वास्तव में टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय नहीं होकर के स्क्वायर पेनस की स्ट्रक्चर होती है। तो इस तरह से यहाँ पर सिद्धांत की एक तरह से कमी पाई गई है, ये सिद्धांत यहाँ पर फेल हुआ है। दिस थ्योरी doesn't distinguish weak filled and strong filled of ligand। जो ligand को यहाँ पर divide किया गया है कि दुर्बल क्षेत्र ligand है या प्रबल क्षेत्र ligand है, तो किसी भी रूप से ये उसकी विभाजन को स्पष्टीकरण रूप से नहीं समझा पाया है क्यों विभेद करते हैं हम। And the last one is it cannot predict exactly the tetrahedral and square planar structure of 4 coordinate। चार उपसंयोजक संख्या वाले संकुल यौगिकों की संरचना कभी स्क्वायर प्लेनर होगी या चतुष्फलकीय होगी इसको बिल्कुल एक अच्छे से ये वीबीटी नहीं समझा पाया है। तो आज उपसंयोजक यौगिकों में बंद उनकी ज्यामिति संरचना किस प्रकार से पाई जाती है उसको लीनियस पॉलिंग ने जो सिद्धांत दिया है संयोजकता बंध सिद्धांत वीबीटी उसको हमने देखा, एग्जाम्पल्स हमने देखे। अगर इसमें कहीं कोई समझ में नहीं आया टॉपिक तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।